हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अम्बिलिकल कॉर्ड एंड कॉर्ड एबनॉर्मेलिटीज़। सो एज़ यू नो, अभी तक हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एबनॉर्मेलिटीज़। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अम्बिलिकल कॉर्ड एंड कॉर्ड एबनॉर्मेलिटीज़। स्ट्रक्चर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। सो अम्बिलिकल कॉर्ड एक्चुअली प्लेसेंटा और फीटस के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड के कारण ही फीटल ब्लड जो है वो प्लेसेंटा तक जाता है, और प्लेसेंटा से जो ब्लड है वो फीटस तक आता है। इसके एक्सटेंशन की बात की जाए कि अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है, तो प्लेसेंटा की जो फीटल सरफेस है वहाँ से फीटस की जो अम्बिलिकस है वहाँ तक इसका एक्सटेंशन होता है, वहाँ तक अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड के डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये कनेक्टिंग स्टॉल्क और बॉडी स्टॉल्क से डेवलप होती है। अभी कनेक्टिंग स्टॉल्क क्या है, बॉडी स्टॉल्क क्या है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। वहाँ पर हमने देखा था कि जो योक सैक था वो एक डायवर्टिकुलम और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम बॉडी स्टॉक या कनेक्टिंग स्टॉक बोलते हैं, जो आगे चलकर अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड की टोटल लेंथ नॉर्मली 50 से 60 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और एवरेज बात की जाए तो 1.5 सेंटीमीटर का इसका टोटल डायमीटर होता है। शेप इसका टॉर्चुअस है, थोड़ा सा घुमा हुआ इसका शेप होता है, एकदम फ्लैट नहीं होती, थोड़े से इसमें घुमाव होते हैं, शोविंग फॉल्स नोड्स, और इसमें फॉल्स नोड्स भी शो होती है। फॉल्स नोड्स है ये, जो वाटन्स जेली इसमें प्रेजेंट होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से फॉल्स नोड भी प्रेजेंट होती है। अटैचमेंट की बात की जाए तो प्लेसेंटा की जो फीटस सरफेस है वहाँ से ये अटैच्ड होती है, नियर प्लेसेंटा का जो सेंटर है वहाँ से, और फीटल की एब्डोमिनल वॉल तक इसका एक्सटेंशन होता है, अम्बिलिकस तक अटैच्ड होती है। कंटेंट की बात की जाए तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, एक अम्बिलिकल वेन होती है, वार्टन जेली प्रेजेंट होती है, और एमनियोटिक मेम्ब्रेन वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड को एमनियोन मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस में इंसर्ट होगी उस जगह पर एमनियोन लेयर नहीं होगी, उस जगह पर एपिथेलियल कवरिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा पूरी एम्बिलिकल कॉर्ड एमनियोन लेयर से कवर्ड रहती है। बात की जाए तो जो अम्बिलिकल आर्टरीज है वो अम्बिलिकल वेन को सराउंड करके रखती है। हमने देखा कि दो आर्टरीज होती है और एक वेन होती है। सो जो स्पायरल फैशन में अम्बिलिकल आर्टरीज अम्बिलिकल वेन को सराउंड कर लेती है, और वहाँ पर बहुत सारे फॉल्स नोड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वाटर्स जेली जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के कंप्रेशन को और अंड्यू टॉर्शन या खिंचाव को प्रोटेक्ट करती है। अम्बिलिकल कॉर्ड के फंक्शंस की बात की जाए तो ये फीटस को फ्री मूवमेंट अलाउ करती है, इसके अलावा ये प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ एबनॉर्मल है, डायमीटर एबनॉर्मल है, कॉर्ड में कॉइलिंग हो रही है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, फॉर वेजल कॉर्ड, एबनॉर्मलिटीज ऑफ कॉर्ड इंसर्शन, टॉर्जन एंड स्ट्रिंचर्स, हिमेटोमा एंड सिस्ट। सो ये सब अम्बिलिकल एबनॉर्मलिटीज़ के टाइप हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एबनॉर्मल कॉर्ड लेंथ। नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ हमने डिस्कस की 50 से 60 सेंटीमीटर, एवरेज अगर हम देखें तो 55 सेंटीमीटर की अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो एबनॉर्मल कॉर्ड लेंथ में टू टाइप्स हैं, शॉर्ट कॉर्ड एंड लॉन्ग कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड में लेस देन 35 सेंटीमीटर अगर है, यानी कि 35 सेंटीमीटर से कम अगर कॉर्ड की लेंथ है तो वो शॉर्ट कॉर्ड की कैटेगरी में आएंगे, और शॉर्ट कॉर्ड की वजह से फीटल डिस्ट्रेस, प्लेसेंटो एब्रिप्शिया एंड प्रोलॉन्ग्ड लेबर वाले कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि फीटस डिस्ट्रेस में चला जाए या प्लेसेंटा का एब्रप्शन हो जाए, प्री मेच्योर सेपरेशन वहाँ पर प्लेसेंटा का हो जाए, हैमरेज की कंडीशन डेवलप हो जाए। लॉन्ग कॉर्ड की बात की जाए तो अगर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ है तो उसे हम लॉन्ग कॉर्ड में डिफाइन करेंगे, और लॉन्ग कॉर्ड की वजह से क्या होता है कि कॉर्ड अराउंड नेक, यानी कि फीटस की नेक के चारों ओर कॉर्ड लिपट जाती है, सिंगल लूप, डबल लूप,
मल्टीपल लूप्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटीज़ या हम कहें कोई प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज अराइज हो जाए। इट मे लीड टू ट्रू कॉर्ड नॉट, आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रू कॉर्ड नॉट, जिसका हम अभी डायग्राम भी देखेंगे। कॉर्ड प्रोलैप्स और कॉर्ड कंप्रेशन की कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। एबनॉर्मल कॉर्ड लेंथ में यहाँ पे दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट है शॉर्ट कॉर्ड, जो आप देख सकते हैं कितना छोटा ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। देन है लॉन्ग कॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा लंबा कॉर्ड है, जिसकी वजह से कॉर्ड कॉइलिंग या कॉर्ड अराउंड नेक, कॉर्ड कंप्रेशन, ये सब कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड डायमीटर, लीन कॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विद IUGR। अगर बहुत ही पतली कॉर्ड है, डायमीटर बहुत कम है, तो इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। लार्ज डायमीटर है, मीन्स डायमीटर अम्बिलिकल कॉर्ड का बहुत ज़्यादा है, तो मैक्रोसोमिया प्रेजेंट हो सकता है। अब देखते हैं कि मैक्रोसोमिया क्या होता है। मैक्रोसोमिया मीन्स जो फीटस है वो गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा है। डेफिनेशन की बात की जाए तो मैक्रोसोमिया मीन्स फीटस इज लार्जर, या बेबी बॉर्न इज लार्जर देन गेस्टेशनल एज। अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉर्म्स हम देख सकते हैं कि 2.5 केजी का बच्चा जो है वो नॉर्मल माना जाता है, और अगर 4 किलो से ज़्यादा का अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड कॉइलिंग। अम्बिलिकल कॉर्ड कॉइलिंग के बारे में हमने आगे देखा था कि अम्बिलिकल वेन को स्पायरल फैशन में अम्बिलिकल आर्टरी सराउंड करती है, और एक अम्बिलिकल कॉइलिंग इंडेक्स एक मेजरमेंट है जो अम्बिलिकल कॉर्ड कॉइलिंग को आइडेंटिफाई करता है। अम्बिलिकल कॉइलिंग इंडेक्स के अंदर किया क्या जाता है कि मेजरमेंट लिया जाता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें कॉइलिंग ज़्यादा है या बहुत कम है या नॉर्मल कॉइलिंग है। इसको मेजरमेंट को चेक करने के लिए नंबर ऑफ कंप्लीट कॉइल डिवाइडेड बाय कॉर्ड लेंथ इन सेंटीमीटर उसका कैलकुलेशन निकाला जाता है। अगर लेस देन 10% है तो हाइपोकॉइल डे, मीन्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड की कॉइलिंग है वो बहुत कम है। 10th से 19th percentile है नॉर्मल कॉइल्ड है, और मोर देन 19th percentile है तो हाइपर कॉइल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड है। हाइपर कॉइलिंग की वजह से फीटल डिमाइस या इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा पार्टम हाइपोक्सिया के कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड कॉइलिंग का यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, जैसे ये वाला नॉर्मल कॉर्ड है, ये हाइपर कॉइलिंग है, एंड देन ये जो है वो हाइपो कॉइलिंग है नीचे वाला। नेक्स्ट कैटेगरी इज एबनॉर्मलिटीज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन। सो इससे पहले कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड का जो इंसर्शन है वो प्लेसेंटा के सेंटर पार्ट में या नियर सेंटर होता है, लेकिन अगर ये सेंटर और नियर सेंटर ना होकर अदर साइड्स पे सेंटर इंसर्ट हो रहा है तो जिसे हम एबनॉर्मलिटीज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन में डिस्कस करेंगे। मार्जिनल इंसर्शन, फर्केट इंसर्शन, विलामेंटस इंसर्शन एंड एक्सेट्रास। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एबनॉर्मल कॉर्ड इंसर्शन, एंड द फर्स्ट वन इज फर्केट इंसर्शन। फर्केस्ट इंसर्शन में एग्जैक्टली होता क्या है कि अम्बिलिकल जो वेसल्स हैं वो कॉर्ड से सेपरेट हो जाती है, मीन्स प्लेसेंटा में इंसर्ट होने वाली है और उसके पहले ही ये डिवाइड हो जाती है। एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, आगे डायग्राम से हम समझेंगे। नेक्स्ट है मार्जिनल इंसर्शन, अबाउट 7% ऑफ केसेस में ये फाउंड होता है, और बेटर लोअर प्लेसेंटा हमने डिस्कस किया था। सो बेटर लोअर प्लेसेंटा में अम्बिलिकल कॉर्ड का जो इंसर्शन है वो मार्जिनल इंसर्शन है, मीन्स जो अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के मार्जिन्स में इंसर्ट होती है, सेंटर में इंसर्ट नहीं होती है। और जब प्लेसेंटा की डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है तो उस समय आप आगे जब हम लेबर डिस्कस करेंगे, प्लेसेंटा का डिलीवरी डिस्कस करेंगे, तो हम आगे देखेंगे कि प्लेसेंटा के डिस्कशन में हमें कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी होती है प्लेसेंटा के डिलीवरी को कंडक्ट करने के लिए। सो डाउनवर्ड ट्रैक्शन लगाना पड़ता है। जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को डाउनवर्ड ट्रैक्शन लगाएंगे तो हो सकता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड मार्जिनल इंसर्टेड है और वहाँ से पुल्ड आउट हो जाए, वहाँ से निकल जाए। नेक्स्ट है विलामेंटस इंसर्शन। अम्बिलिकल वेसल्स जो हैं वो सेंटर में इंसर्ट ना होकर के फीटल मेम्ब्रेन्स में इंसर्ट होती है। प्लेसेंटल की मार्जिन सेंटर होती है और फीटल मेम्ब्रेन्स में इंसर्ट होती है। सो फर्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल इंसर्शन। इस प्लेसेंटा में आप देख सकते हैं कि नियर सेंटर ये अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्टेड है।
नेक्स्ट है फर्केट इंसर्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये प्लेसेंटा में इंसर्ट होने से पहले क्या हो गई है, फर्केट हो गई है, डिवाइड हो गई है। सो दिस इज फर्केट इंसर्शन। नेक्स्ट दिस वन इज विलामेंटस इंसर्शन। ये फीटल मेम्ब्रेन्स में इंसर्ट हुई है, मार्जिन से जाकर के फीटल मेम्ब्रेन्स में ये इंसर्ट हुई है अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट है मार्जिनल इंसर्शन। यहाँ पर ये प्लेसेंटा की मार्जिन्स में जाकर के इंसर्ट हुई है। सो विलामेंटस में और मार्जिनल इंसर्शन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? विलामेंटस इंसर्शन में मार्जिन से होते हुए इंसर्ट फीटल मेम्ब्रेन्स में होगी, और जबकि मार्जिनल इंसर्शन में प्लेसेंटा के अंदर ही इंसर्ट होगी। सो इस डायग्राम में हम फर्केट इंसर्शन को एक बार और अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये फ्रेशली डिलीवर्ड प्लेसेंटा है और यहाँ पर ये अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन है, लेकिन ये प्लेसेंटा में इंसर्ट होने से पहले क्या हो रहा है, फर्केट हो रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है। सो फर्केट इंसर्शन में एग्जैक्टली होता क्या है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो इंसर्ट होने से पहले ही फर्केट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। एबनॉर्मल कॉर्ड इंसर्शंस, इसके अंदर बैटल डॉर इंसर्शन और विलामेंटस इंसर्शन। बैटल डॉर इंसर्शन में हमने देखा कि प्लेसेंटा में जो कॉर्ड का इंसर्शन है वो कहाँ पर होगा, मार्जिन्स में इंसर्ट होगा। विलामेंटस इंसर्शन में प्लेसेंटा जो है वो फीटल मेम्ब्रेन्स में इंसर्ट होगी। आप देख सकते हैं फीटल मेम्ब्रेन्स में ये यहाँ पर ही अम्बिलिकल वेसल्स इंसर्टेड हैं। एबनॉर्मलिटीज ऑफ वेसल्स नंबर। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी लगभग 30% ऑफ इन्फेंट्स जो न्यूली बॉर्न है उनमें फाउंड हो सकती है। हो सकता है दो अम्बिलिकल आर्टरी होने की जगह वहाँ पर सिर्फ एक ही अम्बिलिकल आर्टरी है और जो अदर अम्बिलिकल आर्टरी जो नहीं है उसकी अट्रॉफी हो चुकी है। सो ये कंजेनाइटल एनोमलीज़ के फॉर्म में इसको स्टडी किया जाता है, और ये कंजेनाइटल एनोमलीज़ के साथ में एसोसिएटेड हो सकती है, बहुत सारी एनिप्लेडीज वहाँ प्रेजेंट हो सकती है, ट्रेक्यूसोफेशियल फिस्टुला, रीनल एजिनेसिस, इम्परफोरेट एनस, वर्टिब्रल डिफेक्ट्स। और 30% ऑफ इन्फेंट्स जो हैं वो ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, और 17% प्री टर्म डिलीवर्ड आउट होते हैं। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी का यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन व्यू देख सकते हैं, एक सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी ये है और ये वेन है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी नोड्स। सो यहाँ पर टू टाइप्स के नोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे फॉल्स नोड्स एंड ट्रू नोड्स। सो फॉल्स नोड्स होते क्या हैं कि हमने देखा कि अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल वेन को स्पायरल फैशन में कॉइल होती है या स्पायरल फैशन में कनेक्ट करके रखती है। सो जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है उसको अकोमोडेट करने के लिए ये वेसल्स एक दूसरे के अराउंड स्पायरल फैशन में आती हैं। इसके अलावा वार्टन्स जेली भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट हो जाती है, जिस वजह से फॉल्स नोड प्रेजेंट हो सकती है। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एरो डिनोट कर रहे हैं फॉल्स नोड्स को, जिसमें जो वेसल्स स्पायरल फैशन में है वो और वार्टन्स जेली के एक्यूमुलेशन दोनों फॉल्स नोट क्रिएट करते हैं। ट्रू नोट्स की बात की जाए तो 1-2% ऑफ केसेस में ट्रू नोट्स प्रेजेंट हो सकती है, और ये मोनो एमनियोटिक ट्विन्स के अंदर ज़्यादा फाउंड होती है। एक्टिव फीटल मूवमेंट्स क्रिएट ट्रू नोट्स। अगर फीटल बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है तो उस वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड में ट्रू नोट्स प्रेजेंट हो सकती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही एंटेंगल्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गिठान सी जैसी लग गई है, और इस कंडीशन में स्टिल बर्थ के रिस्क बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी अम्बिलिकल कॉर्ड लूप्स, जिनको हम कॉर्ड अराउंड नेक के नाम से भी जानते हैं। इनमें बेसिकली होता क्या है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फीटस की नेक के अराउंड कॉइल हो जाती है। सो कॉर्ड इज़ फ्रीक्वेंटली कॉइल्ड अराउंड द नेक ऑफ फीटस। और ऐसा किन केसेस में ज़्यादा होगा, आगे हमने लॉन्ग कॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था, एबनॉर्मल कॉर्ड लेंथ। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पर कॉर्ड अराउंड नेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फीटस के अराउंड नेक के अराउंड कॉइल हो सकती है, और जो कॉर्ड अराउंड नेक के जो लूप्स हैं उनको हम न्यूकल कॉर्ड नाम से भी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में कंप्रेस द न्यूकल कॉर्ड्स एंड कॉज FHR डिसलरेशन एंड लो अम्बिलिकल आर्टरी।
वन लूप ऑफ न्यूकल कॉर्ड के चांसेस होते हैं 20 to 34%। जब फीटस एक्टिव फीटल मूवमेंट करता है तो उन केसेस में अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस की नेक के अराउंड कॉइल हो सकती हैं। सो सिंगल लूप के चांसेस 20 to 34%, डबल लूप के चांसेस हैं 2.5 to 5%, एंड तीन लूप के चांसेस होते हैं जो कि बहुत रेयर कंडीशंस में होता है 0.2 to 0.5%। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू टाइप्स ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक और कॉर्ड लूप्स आर प्रेजेंट अराउंड द फीटल नेक। सो फर्स्ट वन इज टाइप ए, अम्बिलिकल न्यूकल कॉर्ड एनसर्कल्स द फीटल नेक इन अ स्लाइडिंग मैनर, लेस डेंजरस। जो टाइप ए के कॉर्ड अराउंड नेक होते हैं वो जो हैं वो लेस डेंजरस कैटेगरी के होते हैं, और ये फीटल नेक के यहाँ पे प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ये स्लाइड होते रहते हैं, ये निकल भी सकते हैं जब फीटस मूव करता है। तो अगर सिंगल लूप है और वो टाइप ए टाइप का है तो फीटस की मूवमेंट के दौरान वो लूप निकल सकता है स्लाइड होकर। टाइप बी टाइप के जो कॉर्ड अराउंड नेक और जो कॉर्ड लूप होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस, वेरी डेंजरस कैटेगरी के होते हैं। न्यूकल कॉर्ड कम्प्लीटली एनसर्कल्स कर लेती है लॉकिंग मैनर में, 2 से 3 या 4 मल्टीपल लूप्स वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। इन कंडीशंस में फीटल डिमाइस हो सकता है, फीटस का लॉस हो सकता है, वहाँ पर ऑक्सीजनेशन और सर्कुलेशन स्टॉप हो सकता है। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टाइप बी टाइप का कॉर्ड अराउंड नेक या न्यूकल कॉर्ड डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है, जहाँ पर बेसिकली 3 लूप्स हैं जिन्होंने कम्प्लीटली लॉकिंग मैनर में फीटस की नेक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट, टॉर्शन एंड स्ट्रिंचर। सो टॉर्शन और स्ट्रिंचर हैं क्या? दोनों लगभग एक ही टाइप के हैं, लेकिन टॉर्शन जो है वो इसका अर्ली स्टेज है और स्ट्रिंचर वेरी सीरियस और वेरी रेयर कंडीशंस हैं। सो दोनों कंडीशंस वैसे रेयर है। टॉर्शन रिजल्टिंग फ्रॉम फीटल मूवमेंट्स ड्यूरिंग विच कॉर्ड नॉर्मली बिकम ट्विस्टेड। सो टॉर्शन वाली कंडीशन में क्या होता है कि फीटल मूवमेंट्स के दौरान जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो ट्विस्ट हो जाती है, जिससे फीटल सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और स्ट्रिंचर्स में क्या होता है कि जो ट्विस्ट है वो मल्टीपल ट्विस्ट हो जाता है या लंबे समय तक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन डेवलप हो जाती है और फीटस लगभग स्टिल बॉर्न या मरे हुए इन्फेंट, सॉरी मरे हुए न्यू बॉर्न पैदा होते हैं, जिनको हम स्टिल बॉर्न बोलते हैं। सो इस डायग्राम में आप ये टॉर्शन का डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रही है अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस मूवमेंट की वजह से, एंड देन ये कॉर्ड स्ट्रिंचर जो कि बहुत सीरियस कंडीशन है जिसके अंदर स्टिल बर्थ होता है। नेक्स्ट, एबनॉर्मलिटी हीमेटोमा। शॉर्ट कॉर्ड वाले केसेस में क्या होता है कि ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ट्रॉमा और एंटेंगलमेंट से हीमेटोमा का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड सिस्ट, ट्रू सिस्ट और फॉल्स सिस्ट, टू टाइप्स के सिस्ट प्रेजेंट हो सकती हैं। एलेंटॉइस के रेमिनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और एलेंटॉइस क्या है ये हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में डिस्कस किया था, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, फॉल्स सिस्ट जो है वो वार्टन्स जेली के डीजनरेशन से बनते हैं और सिंगल सिस्ट रिजॉल्व हो जाते हैं, और मल्टीपल सिस्ट जो है वो मिसकैरियज और एनिप्लॉइडीज क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और को भी बेनिफिट हो सके।